जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में। कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं है। तब समय कम हो, समस्या विकट हो, तब कुछ मत। जिस शंकर जी के मंदिर में आपने पूजन करी है, आराधना करी है, जिस शिव मंदिर की आप अर्चना करे हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्र का पेड़ क्या ढूंढना है? जम के बोले जरा, बेलपत्री का वृक्ष। जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो और 2-3 घंटे शिव नाम की ही मस्ती में डूबे रहो। कि आपको ये नहीं कि माला पकड़ के बैठ गए, आपको ये नहीं कि मंत्र का जाप करना, आपको ये नहीं है कि आपके मंदिर में जाकर बैठ जाओ, आपने जल चढ़ा दिया शिव से, डायरेक्ट जाकर कह दिया कि मेरी ये समस्या बड़ी विकट है, उसको निवारण आज ही होना है। आप बाबा पर छोड़ दो, 3-2.5 घंटा लगेगा, मेरा शंकर उसको सुधारने में लग जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।